चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच तय समय अनुसार 28 मई 2023 को आईपीएल 2023 सीजन 16 का फाइनल मुकाबला खेला जाना था, लेकिन इस मुकाबले में टॉस से आधा घंटा पहले तेज बारिश आ गई। हालांकि बारिश को लेकर वेदर फोरकास्ट की तरफ से पहले ही रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। बता दिया गया था कि मैच के दौरान बारिश आ सकती है, लेकिन इसके 40% के अनुमान जताए गए थे और बताया गया था कि 2 घंटे तक बारिश आ सकती है। लेकिन बारिश 2 घंटे तो जरूर आई, शुरुआती 2 घंटे, इसके बाद रुकी, फिर बारिश आई, फिर रुकी, फिर बारिश आई। अंपायर्स और साथ ही ऑन फील्ड तमाम जो लोग थे वो इंतजार करते रहे कि बारिश रुके तो मैच को शुरू करवाया जा सके। इसके साथ साथ ही खिलाड़ी भी इंतजार करते रहे कि अगर बारिश रुक जाए तो मैच का मजा ले सके और मैच खेल सके और आईपीएल का फाइनल विजेता तय हो सके। इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा दर्शक जो मैदान में मौजूद थे वो भी इंतजार करते रहे कि किसी तरीके से इंद्र देवता बारिश को रोके और मैच का मजा लिया जा सके। लेकिन इन सभी के ऊपर पानी फिर गया और फैंस को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। खिलाड़ियों को 1 दिन का और इंतजार करना पड़ा और आईपीएल की तरफ से ये घोषणा की गई, ऐलान किया गया कि 29 मई यानी कि आज का दिन रिजर्व डे जो आईपीएल फाइनल के लिए रखा गया है उस दिन आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन इन सभी के बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वायरल फोटो के अनुसार गुजरात टाइटंस को विजेता बताया जा रहा है। क्या ये पूरी फोटो है, क्या इसकी कहानी है, वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के एक स्टेडियम का फोटो वायरल हुआ। इसमें जो स्क्रीन स्टेडियम में लगी होती है उस स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आईपीएल 2023 की रनर अप टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि विजेता है गुजरात टाइटंस। ये फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, आग की तरह फैल रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अब आईपीएल और मैदान के जो लोग वहाँ मौजूद हैं उन्हें अपने अपनी भाषा में जो भी समझाना है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे गलती हो गई, जब मैच हुआ ही नहीं, टॉस हुआ ही नहीं, गेंद फेंकी ही नहीं गई, तब कैसे जा करके चेन्नई सुपर किंग्स को रनर अप बना दिया गया, तो क्यों ऐसी गलती हो गई है और इसकी पूरी क्या वजह है, क्या कुछ इसकी सच्चाई है। इसकी सच्चाई पर अब आपको ले चलते हैं। आपको बता दें कि ये फोटो एडिट फोटो है। एडिट फोटो यानी कि ये फोटो स्टेडियम का नहीं है, स्टेडियम के खाली आसपास के इलाके को यूज़ किया गया है। जो स्क्रीन वहाँ पर लगाई गई है, जो टेक्स्ट उस पर लिखा है कि रनर अप टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, उसे एडिट करके वायरल किया गया है और ये एडिट फोटो तेजी से वायरल हो रही है। यानी कि इस फोटो में किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी तरीके से रनर अप नहीं है, ना ही गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का खिताब जीता है। हालांकि ये संभव तब हो सकता है जब आज के दिन यानी कि रिजर्व डे के दिन भी लगातार बारिश रही और एक भी गेंद नहीं फेंकी जाएगी तो पॉइंट टेबल के आधार पर गुजरात टाइटंस को विजेता मान लिया जाएगा। बहरहाल जो फोटो वायरल हो रही है वो तो कम से कम फेक है और पूरी तरीके से झूठी फोटो को वायरल किया जा रहा है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।